Assalamu alaikum dear students, today is the date of 12th of August 2021, class जो है हमारी वो है 6 से subject हमारा English, English से topic जो है हमारा वो है Granny's a Fabulous Kitchen, जैसे कि आप सब जानते हो इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया है, तो आज इसका जो part है, part second आज हम शुरू करेंगे, तो जो कि हमारी book की जो page number है वो है 120 पर, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक की पेज नंबर 120 निकालेंगे जहां पर हमारा टॉपिक है ग्रेनीज फैबुलस किचन, ग्रेनी का शानदार जो है किचन उसके मतलब आज पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकंड। तो सभी स्टूडेंट्स अब अपनी बुक की ओर ध्यान रखेंगे, तो अब हम सीधा अपनी बुक की ओर चलेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है तो आज हम सीधा इसके नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। Mohan and I could climb almost any tree in the garden, and if Granny was looking for us, she had called from the front veranda, and then from the pantry at the side of the house, and finally from her bathroom window on the other side of the house. तो क्या होता है, ये कहता है कि मोहन और मैं almost ज़्यादातर लगभग हर एक बूटे के ऊपर, हर एक दरख्त के ऊपर हम चढ़ जाते हैं बाग के अंदर, अगर हमें ग्रेनी देख लेती है, अगर वो हमारी तरफ देखती है, उसको पता चल जाता है, तो ये क्या करती है, वो हमें कॉल करती है, वो हमें आवाज़ देती है, कहाँ से, फ्रंट वरांडा जो उनके घर के सामने वाला जो फ्रंट वरांडा जो है वहाँ से उनको आवाज़ देती है, फिर उसके बाद वो पेंट्री वाले साइड जाती है जो अपने उसके घर के साइड में है, तो वहाँ से आवाज़ देती है, और फाइनली आखिरकार वो क्या करती है, फ्रॉम हर बाथरूम विंडो ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड उनके घर का जो बाथरूम है उसकी खिड़की से उनको आवाज़ देती है। आर देयर वेयर ट्रीज ऑन ऑल साइड, यहाँ पे हर साइड के अंदर, हर साइड में दरख्त ही दरख्त हैं, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू टेल विच वन वी वेयर इन अनटिल वी आंसर हर कॉल, यहाँ पे हर साइड दरख्त हैं, ये नामुमकिन है बताना कि कहाँ से हो गए अंदर, लेकिन जब उनके जो कॉल आती है हमें, जब वो हमें बुलाती हैं तो हम उनकी कॉल का रिप्लाई जवाब देते हैं। समटाइम्स कभी कभी क्रेजी वुड गिव अस अवे बाई बार्किंग बीनीथ आवर ट्री, तो किसी कभी कभी क्या हो जाता है, हम उनके जब घुसते हैं तो हम सीधा आगे ही चले जाते हैं, ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं, तो when there was fruit to be picked, Mohan did not pick him. तो मोहन क्या करता था, वो नहीं इनको पिक करता था। आधा मनेजेड एंड लीचीज कम इन टू सीजन ज्यूरिंग समर, जब मैंगोज, जब आमों का और लीचीज का सीजन आ जाता है समर के दौरान, समर के वक़्त, गर्मियों के वक़्त, व्हेन आई वाज अवे एट बोर्डिंग स्कूल, जब मैं दूर होता हूँ बोर्डिंग स्कूल के अंदर उस वक़्त, सो आई कुड नॉट हेल्प विद द फ्रूट गैदरिंग, तो उस टाइम में उनको फ्रूट, वो जो फ्रूट जो होते हैं जो उतारने का वक़्त हो जाता है, जब वो पक जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करने में मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर होता हूँ बोर्डिंग स्कूल के अंदर। द पपियाज वेयर इन सीजन ड्यूरिंग विंटर, जब पपियाज का सीजन आता है विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर, बट यू डोंट क्लेम्ब ऑन द पपिया ट्री, दे वेयर टू स्लेंडर एंड वूबली, आप पपिया के दरख्त पर नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ना, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही स्लेंडर एंड वूबी होते हैं, पतले और लंबे होते हैं। यू नॉक द पपियाज डाउन विद ए लॉन्ग पोल, आप पपियाज को नॉक करके उसको लंबे किसी पोल के साथ आप उसको नीचे उतार सकते हैं, एंड कैच देम, और उनको पकड़ सकते हैं, बिफोर दे हिट द अर्थ, जब तक के वो ज़मीन को हिट करे, उसके साथ लगे, उसके साथ टच करे, उससे पहले ही उसको पकड़ना पड़ता है, पहले उसको पोल के साथ हिट करना है, जब वो नीचे गिरेगा तो उसको ज़मीन पर लगने से पहले ही उसको कैच करना है, उसको पकड़ना है। मोहन आल्सो हेल्पेड ग्रेनी विद द पिकिंग पिकलिंग, तो मोहन भी उनकी ग्रेनी की जो क्या है हमेशा मदद करता है। शी वॉज जस्ट जस्टली फेमस फॉर हर पिकल्स, वो बहुत अपनी पिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ग्रीन मैंगोज पिकल्ड इन ऑयल वेर ऑलवेज पॉपुलर, तो
ग्रीन मैंगोज जो होते हैं, जो सब्ज जो उनके आम होते हैं वो हमेशा बहुत पॉपुलर होते हैं। तेल के अंदर उनको डाल के बनाया जाता है। सो वॉज हर हार्ट लिम्पिकल एंड शी वॉज इक्वली गुड एट पिकलिंग टर्निप्स, कैरोट्स, कॉलीफ्लावर्स, चिल्लीज एंड अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।